हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति और शिव बरात आयोजन समिति और इंद्रपुर युग नवयुग समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ, आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ के सुंदरकांड हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे आज के बच्चे। हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है, प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है, आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग लें, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं जो साधु संत आ रहे हैं उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार है। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन, 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। धनबाद में लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया से लोगों को जोड़ने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया है। गया उपायुक्त वरुण रंजन की ओर से जागरूकता रथ को लेकर ईवीएम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इंडिया के निर्देश पे जो है सो ईवीएम अवेयरनेस का ड्राइव चलाया जा रहा है, उसी को लेकर के जिले में हम लोग जो है सो ईवीएम मोबिलाइजेशन के लिए हम लोग जो है सो वैन हम लोग अवेयरनेस वैन हम लोग जो है सो यहाँ पे मोबाइल वैन अभी हम लोगों ने आज किया है। जिले में हमारे जो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हम लोग जो है सो ये मोबाइल वैन को रवाना कर रहे हैं, जो ले जा कर के ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन हर एक पोलिंग बूथ्स पे करेगा, हर एक पोलिंग स्टेशन पे करेगा और ईवीएम को लेकर के जो जानकारी है उन लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने का काम किया जाएगा कि किस तरह से जो है सो हमारी ईवीएम काम करती है और इसका जो एक अवेयरनेस है वो लोगों के बीच में फैलाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएंगे? हाँ, हमारे जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं इस ज़िले में लगभग जो 2,350 पोलिंग बूथ्स हैं उन सभी 2,350 पोलिंग बूथ्स पे हमारे जो मोबाइल वैन है वो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। ये कार्यक्रम अभी से लेकर के अगले लगभग 50 दिनों तक ये चलेगा। इसे क्या लगता है वोटिंग में असर पड़ेगा? बिल्कुल, मतलब ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं ये सारे चीज़ें जो हैं वो ईवीएम अवेयरनेस जो कई तरह के जो लोगों को ईवीएम मशीन को लेकर के जो भ्रांतियाँ रहती हैं उसको ठीक करने के लिए रहता है और साथ ही साथ जो एक स्वीप एक्टिविटी भी है ताकि लोग जो हैं सो उनके बीच में एक मैसेज जाए कि लोग आकर बाहर निकले अपने घरों से और इलेक्शंस में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार, आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।